नमस्कार, वेलकम टू दिस स्पेशल एपिसोड ऑफ वाइल्ड वाइल्ड इंडिया। सिर्फ गिनती के कुछ लोगों को ही पता होगा कि भारत में किसी भी अन्य जंगली जानवर के मुकाबले तेंदुआ बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार होता है। हम एक विशेष हिमालय क्षेत्र में लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करते हुए आदमखोर तेंदुओं के रीजन में गए। जो हमने पाया वो आपको चौंका सकता है, लेकिन फिर उत्तराखंड की बातें ही कुछ ऐसी हैं। उत्तराखंड जैसे आकर्षक पहाड़ी राज्य के मिड हिमालयन जोन में लोकेटेड सबसे पिक्चरेस्क क्षेत्रों में से एक है पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र, और साथ ही साथ सबसे खतरनाक भी। यहां हर नुक एंड कॉर्नर पर खतरा घात लगाकर बैठा रहता है। हालांकि बच्चों और महिलाओं पर हमला होने का डर सबसे ज्यादा होता है, फिर भी कई बार पुरुष भी इनका शिकार हो जाते हैं। और तो और, दिन या रात के किसी भी समय कहीं से भी हमला हो सकता है। यहां हम भूतों की नहीं, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के आदमखोर तेंदुए के बारे में। एक कॉमन अजम्पशन ये है कि भारत में ज्यादातर ह्यूमन डेथ्स का कारण टाइगर्स और एलिफेंट्स होते हैं। ये शायद कुछ राज्यों में सही हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड में नहीं, क्योंकि यहां पर लेपर्ड नंबर 1 किलर के रूप में इमर्ज्ड हैं। क्योंकि लगभग सभी मौतें उत्तराखंड के दूर दराज ऑब्स्क्योर विलेजेस में होती हैं, तो ऐसी ट्रेजिक न्यूज कभी भी नेशनल मीडिया के पहले पेज की खबरें नहीं बन पाती हैं। और इसलिए हम में से ज्यादातर लोग जो प्लेन्स में रहते हैं, वे मैन ईटिंग लेपर्ड्स के खतरे से अनजान रहते हैं। ये हैं कुछ डराने वाली फिगर्स। पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड में 250 से अधिक लोग लेपर्ड्स के शिकार होकर मारे गए हैं और 350 से अधिक घायल हुए। उनमें से कई लोग हैंडीकैप्ड लाइफ जीने को मजबूर हैं। यकीन मानिए, ये सरकार द्वारा जारी ऑफिशियल नंबर्स हैं। एक्चुअल फिगर्स तो इससे बहुत अधिक हो सकते हैं, क्योंकि कई मामले तो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। उत्तराखंड के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन श्रीकांत चंदोला राज्य के बड़े हिस्से में मैन ईटिंग लेपर्ड्स द्वारा पैदा किए गए इस डर को स्पष्ट रूप से एक्सेप्ट करते हैं। The fact is that in Uttarakhand, we are told, more people get killed by leopards in the hills than by tigers. Sir, usually tigers don't enter into direct damage to human life. Not normally. It's quite abnormal. We had 6 deaths in this winter, just the last winter. Sundarkand. But that was unusual in Sundarkand. It was quite unusual. Yeah. And definitely we have not only a very high percentage of damage to human life by leopards, we have the highest damage to human life in the entire country. In by the leopards? State. Yes, sir. We lose almost something like 25-30% every day, every year to leopards. In 25 to 30 people, yes, dying very every year. Very serious to issue. People are very angry. And it becomes all the more difficult for us to maintain heavy populations of leopards in the state. Mr. Chandola, have you actually analyzed this problem? Why these attacks are not coming down over the years? Why 25 to 30 people per year are still dying? Mm-hmm. Basically, I think we don't have much wildlife left in the forest. One straight, simple reason for the man-animal conflict, man-leopard conflict in the Gadwal and Kumayu Himalayas, we don't really have much prey-based left there. Due to maybe cultural reasons, maybe due to a lot of fire happening here annually. We need to do something very seriously about this, because nowadays we are finding a lot of healthy leopards just plain being found dead. So we are concerned about this and we are looking for reasons into this issue of the why this thing is happening. इस फिनोमेनन को समझने के लिए हमने उत्तराखंड के पौड़ी और टिहरी क्षेत्रों में 1000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। कई बार हमने स्टेट के इंटीरियर रीजन्स में भी सफर किया, ताकि हम इस डर का फेस टू फेस एहसास कर सकें, जो यहां पर रहने वाले लोगों के चेहरे पर बड़ा साफ एवं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
हमने अपनी यात्रा रुद्रप्रयाग के उस स्थान से शुरू की जहां पर जिम कॉर्बेट ने फेमस मैन ईटिंग लेपर्ड को मार गिराया था। कॉर्बेट ने अपने क्लासिक मेमोर द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग में 8 महीने लंबी चली इस ब्रेथ टेकिंग लेपर्ड हंट का वर्णन किया है। नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ हिस्ट्री व्हिच स्टिल कनेक्ट्स विद द प्रेजेंट ऑफ उत्तराखंड। दिस वाज द स्पॉट वेयर जिम कॉर्बेट killed the famous man-eating leopard of Rudraprayag in 1926. Now, even 8 decades after this particular animal was disposed of, Uttarakhand is still under the grip of man-eating leopards. We will now take you to a small village in Pauri Garhwal. It's so small that it doesn't even figure on the tourist map of the state. But such has been the terror of man-eating leopards here that 1/3 of its population has moved out of the region. हमने देखा कि वास्तव में जिम कॉर्बेट के दिनों से लेकर आज तक यहाँ के हालात नहीं बदले हैं, बल्कि वो और भी बुरे हो गए हैं। वास्तव में पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंडर आने वाले बहुत से छोटे-छोटे गांव लेपर्ड्स के हमलों के एपिसेंटर्स बन गए हैं, और इस रीजन का सबसे डेडलीएस्ट लोकेशन है जय गांव। 60 परिवारों का ये गांव पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से लेपर्ड्स के अटैक्स का कलेक्टिव रूप से सामना कर रहा है। आपको इस बात का विश्वास नहीं होगा, लेकिन जय गांव में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसने किलर लेपर्ड्स का सामना न किया हो। जय गांव की ये हॉरर स्टोरीज ऐसे लोगों को हैरान कर देने के लिए काफी है जो केवल वही सच मान लेते हैं जो वे अखबारों में पढ़ते हैं या टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं। एक 8 साल का लड़का अपनी माँ के हाथों से छीन लिया जाता है। एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ खेल रहा था कि अचानक कहीं से एक लेपर्ड निकलता है और उस लड़की को झपट्टा मारकर लेकर गायब हो जाता है। बड़े भैया की नातन 14-15 बरस की थी वो। अच्छा, कैसे हुआ ये? वो नगर में थी। हाँ। और बाघ ने झपट्टा मार दिया उस। तो हमेशा इस डर से आप लोग रहते हैं वगैरह के? उस दिन से उस तारीख से जब ये 10-12 किए से ये बच्चे भी उठाए, बुड्ढे भी उठाए, कैसे भी उठाए ना, तो अब से हम बहुत परेशान हैं। एक महिला अपने पति और बच्चों की नजरों के सामने ही लेपर्ड द्वारा 20 मीटर की दूरी तक घसीट ली जाती है, जिस पर परिवार के सदस्यों को रिएक्ट तक करने का भी समय नहीं मिलता। जैसे आप गर्मियों का टाइम है तो बांदर तो गर्म होता है। हाँ जी। वो छत में थोड़ा हवा लेने वो बैठे हुए थे। कौन? आपकी माता जी? माता जी। अच्छा। उसके बाद वो पता नहीं कितनी देर से डूबता रहा। हाँ। और इतने में वो नीचे से उसने जम मारा छत पर, छत पे। अच्छा। छत से घसीट के लेगा नीचे खेत में। खेत में जब घसीटा उसने तो आवाज़ तो आई नहीं, उसने गला पकड़ दिया। उसके बाद घसीटे घसीटे कम से कम आधा मीटर करीब, आधा किलोमीटर करीब दूर ले गया, जाड़ी में छुपा के, और ये चीज़ अलग करके जो उसने मांस पीसे थे वो सब खा के अलग कर दिया, सिर अलग कर दिया। तक जय गांव में 100 परिवार थे, लेकिन अब आज के समय में केवल 62 फैमिलीज ही रह गई हैं। मैन ईटिंग लेपर्ड्स ने जय गांव की लगभग 1/3 पॉपुलेशन को यहां से माइग्रेट करने के लिए मजबूर कर दिया है। बचे हुए परिवार वो हैं जो कोई फाइनेंशियल मींस या अन्य कोई कमाई का जरिया न होने की वजह से सुरक्षित क्षेत्र में नहीं जा सके। पौड़ी में लेपर्ड के हमले के सबसे अधिक शिकार एवं चपेट में गांव के बाहर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं।
जब हमने बच्चों के एक ग्रुप से पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि अपने गांव पोखाल में अपने घरों में सेफली पहुंचने के लिए उन्हें 4 किलोमीटर और चलना होगा। यहाँ बच्चे भी बहुत हैं, औरतें भी हैं, आदमी बहुत हैं यहाँ। तो यहाँ बगेरे का कितना डर है? बहुत डर है, कदम कदम पर। अच्छा, कदम कदम पर हम इस कदम इस रास्ते भी जाएंगे तो डरी है, उस रास्ते भी जाएंगे तो डरी है, उस रास्ते हमारे गौ बछिया चरनों को जाते हैं तो डरी है। हर जगह बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेटेंट आदि जान हमारे। कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैन ईटिंग लेपर्ड को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ये कभी कभी ही हो पाता है। अक्सर इस तरह पकड़ा गया मैन ईटिंग लेपर्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स को और भी बढ़ा देता है, क्योंकि देश में ज्यादातर चिड़ियाघर लेपर्ड्स के इतनी तादाद में सरप्लस होने से दुखी हैं। अब इसका क्या इलाज है, वे खुद से ही ये सवाल पूछते हैं। ये सरकार के ऑफिशियल हंटर्स का काम है कि वे मैन ईटिंग लेपर्ड को ट्रैक डाउन करें और मार डालें, और जब ऐसा होता है तो वहां रहने वाले लोकल लोगों के चेहरे पर फिर से स्माइल वापस आ जाती है। लेकिन आमतौर पर यह एक टेम्पररी विक्ट्री होती है, क्योंकि जैसे ही किसी मैन ईटर लेपर्ड को मारा जाता है वैसे ही कोई और लेपर्ड उसकी जगह ले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में हाइड्रा एक सर्पेंट लाइक मॉन्स्टर था। हाइड्रा के कई सर थे, यदि आप एक हाइड्रा सर काटते तो दो और वापस ग्रो कर जाते थे। जैसे जहर को जहर ही काटता है, वैसे ही आमतौर पर उत्तराखंड का वन विभाग राज्य में मौजूद आदमखोर तेंदुओं से निपटने के लिए अपने पैनल में नामित शिकारियों का एक समूह रखता है, और वक्त पड़ने पर किसी भी कीमत पर हत्यारे जानवर को ट्रैक करना इन शिकारियों का काम होता है। लखपत सिंह रावत गैरसेन के एक स्कूल टीचर उत्तराखंड के नामी हंटर्स में से एक हैं। वन अधिकारी जब भी किसी लेपर्ड को मैन ईटर डिक्लेयर करते हैं तो वो लखपत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो ट्रैकिंग या हंट शुरू करे और इसे अपने लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाए। लखपत का रिकॉर्ड इम्पेकेबल है। पिछले 10 वर्षों के दौरान उन्होंने 39 मैन ईटिंग लेपर्ड्स और एक मैन ईटिंग टाइगर को मारा है। टीचर बनाम हंटर, वो याद करते हैं और बताते हैं कि सन 2009 में उन्होंने पौड़ी जिले में 12 लेपर्ड्स का अंत किया था। लखपत जी, आप अब तक उत्तराखंड में 38 मैन ईटिंग लेपर्ड और टाइगर्स को मार चुके हैं, ये अजीबोगरीब काम आपने क्यों चुना? सर, 2002 में हमारे यहाँ आदवद्री क्षेत्र में एक लेपर्ड लगा था जिसने लगातार 2 साल तक काम किया था, और 2 साल में उसने 12 स्कूली बच्चे और एक बुढ़िया को मार दिया था। तो उस समय मैं एक टीचर था, तो मेरे दिल में भी एक पीड़ा लगी कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनको ये लेपर्ड मार दे रहा है, तो क्यों ना मैं इस लेपर्ड को मारूं। और मेरे 8 महीने के अथक प्रयास के बाद तब 15 मार्च 2002 को मेरे द्वारा मारा गया था। आपके हिसाब से आप एक बहुत अच्छे सफल शिकारी हैं जी। एक अच्छे शिकारी में खासकर लेपर्ड और टाइगर को मारने के लिए क्या गुण होने बहुत आवश्यक हैं? हाँ, इसमें तो शिकारी को सबसे पहले तो फुर्तीला, साहसी, धैर्यवान, मतलब उसमें साहस हो, धैर्यवान हो, और उस जिसका वो शिकार कर रहा है उसके व्यवहारों के बारे में पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि उसके व्यवहार के बारे में ज्ञान नहीं है तो वो उसका अगला दाव तो पढ़ नहीं पाएगा ना। लेपर्ड के लिए तो मेन चीज़ है, यदि हम उसका अगला दाव पढ़ लिया तो हम उसको तुरंत मार सकते हैं। यदि हमको उसके व्यवहार का ज्ञान नहीं है, उसका अगला दाव हम यदि पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हमको उसके पीछे ही जाना पड़ेगा, वो किस किल पे किल करता जाएगा। बहुत कम समय देता है मारने के लिए। हाँ, बहुत कम समय, और उसको वही कितना समय होता है आप? हमारे पास केवल 5 सेकंड का समय होता है, तो 5 सेकंड में पूरे जजमेंट करना है,
उसको देखना भी है और उसको की पहचानना भी है और शूट भी करना है, और शूट भी ऐसा शूट करना है कि वो उसी जगह पे गिर जाए, क्योंकि एक बार अगर आपने घायल हाँ, दिया तो वो क्या ज्यादा खतरनाक हो, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। उसमें तो है कि वो एक पागल कुत्ते की भांति काम करता है, तो पागल कुत्ता तो जहाँ भी चाहिए वो एकदम चिपट जाता है, तो उसको तो बहुत टफ हो जाता है। इसलिए तो कोई भी वो हो कि कम से कम वो घायल ना हो। लखपत सिंह रावत का ये असेसमेंट सही निकला। लेपर्ड्स को वास्तव में बॉडी में ह्यूमंस का डर नहीं रहा है। भारत में कहीं और ऐसी एबरेशन नहीं पाई गई है। लखपत का इंटरव्यू करने के बाद और पौड़ी के लिए रवाना होने के कुछ घंटों के अंदर ही हमें सड़क के किनारे एक के बाद एक दो लेपर्ड्स का सामना करना पड़ा। वे हमारी प्रेजेंस से बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहे थे। अगर लेपर्ड्स की बात करें तो ह्यूमंस इसका नेचुरल फूड नहीं है। नॉर्मली ये ह्यूमन प्रेजेंस से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन उत्तराखंड में इसके प्रे बेस में कमी और ग्रेजुअल लैंड डिग्रेडेशन, या यूं कहें कि इसके हैबिटेट की कमी ने लेपर्ड को निराशा के कागार पर ला दिया है। लेकिन टाइगर के ऑपोजिट लेपर्ड एक हार्डी सर्वाइवर होता है। ये उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ही हैं जो उसे ह्यूमन पॉपुलेशन के करीब लाई हैं। जन सहयोग की नितांत कमियां हैं। जैसे हम अभी गाय बकरी लेके ऊपर जा रहे हैं, झाड़ियां यूं आ रखी, काटने को कोई तैयार नहीं। जनता सिर्फ प्रधान पे निर्भर करती, प्रधान दिहाड़ी लाएगा हम झाड़ी काटेंगे, रास्ता खोलने को कोई तैयार नहीं। और जब हम स्वयं अथक प्रयास नहीं करेंगे साहब, तो हमें निजात मिलना बहुत मुश्किल बात है। एक इनका एक गांव वालों का शिकायत है कि मुआवजा जो है या तो इनको समय पे मिल नहीं पाता या मिल ही नहीं पाता। और मुआवजे के लिए गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है आया कहाँ से? सारा उत्तराखंड से पीड़ित है, हर जगह झाड़ियाँ हैं। इंसान जब कुछ करेगा नहीं तो निजात कहाँ से मिलेगी? देहरादून में लोकेटेड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक स्टडी के हिसाब से उत्तराखंड के लेपर्ड की डिस्टर्बिंग तस्वीर सामने आई है। राज्य में 90% से अधिक लेपर्ड्स भोजन के लिए गांव के डॉग्स और कैटल पर डिपेंड करते हैं। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस सुंदर राज्य में भारतीय जंगल के इस हैंडसम प्रिंस के पास फूड ऑप्शंस तेजी से खत्म हो रहे हैं? एक लेपर्ड अपने स्पॉट्स को तो नहीं बदल सकता है, इसलिए वो अपनी फूड हैबिट्स को बदलने का फैसला करता है, भले ही इसके पंजे पर ह्यूमन ब्लड क्यों ना हो। आखिरकार सरवाइव करने के लिए उसे कुछ तो करना ही होगा। सो दिस इज हाउ थिंग्स स्टैंड इन उत्तराखंड, पर्टिकुलरली इन इट्स पौड़ी रीजन। इन फैक्ट ओवर द इयर्स द मैन ईटिंग लेपर्ड्स हैव ओनली एक्सटेंडेड देयर ग्रिप्स on this hill state, and it would require not one but several Jim Corbetts to bring the smiles back on the faces of children, women and men of Uttarakhand. But it would be very tough to say when these people will finally emerge out of the man-eater's shadow. Jim Corbett ne Rudraprayag ke The Man-Eating Leopard of Rudraprayag ke concluding chapter mein ise sabse achhi tarah se describe kiya, जब उन्होंने उस जानवर को गोली मार दी जिसने उत्तराखंड को 8 साल तक बहुत ट्रॉमेटाइज कर रखा था। इस पैसेज को पढ़कर एक शॉक सा लगता है कि रुद्रप्रयाग के इस लेपर्ड के लिए फेमस हंटर टर्न कंजर्वेशनिस्ट ने जो बात कही थी वो मैन ईटिंग लेपर्ड्स के लिए भी उतना ही सच है जो आज भी उत्तराखंड के काफी एरियाज में इंसानों को स्टॉक कर रहे हैं।
जिम कॉर्बेट के अपने शब्दों में, ये केवल एक बूढ़ा लेपर्ड था, भारत का मोस्ट हेटेड एंड मोस्ट फियर्ड एनिमल, जिसका एकमात्र क्राइम लॉज ऑफ नेचर के अगेंस्ट नहीं बल्कि इंसानों के खुद के बनाए हुए लॉज के खिलाफ था। वो था इसके हाथों ह्यूमंस का शिकार, और वो ये इसलिए नहीं कि वो ह्यूमंस को टेररिज करना चाहता था, बल्कि केवल इसलिए कि वो खुद जीवित रह सके। एक मैन ईटिंग लेपर्ड को मारने के लिए परमिट इशू करने के भी अपने नुकसान हो सकते हैं, ये एज्यूम किया जा सकता है, लेकिन उत्तराखंड में फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने कभी भी पब्लिकली या ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो ये सच है। मारे गए हर एक मैन ईटिंग लेपर्ड के लिए तीन तीन मासूम लेपर्ड्स अपना जीवन खो देते हैं। इस एपिसोड को दिखाकर हमारा मकसद आपको शॉक देना कतई नहीं था, बल्कि आपको ग्राउंड रियलिटी से रूबरू करवाना था। भले ही ये सब देखना आपको विचलित कर सकता है या फिर अनकंफर्टिंग हो सकता है, लेकिन आपको एहसास हो जाएगा कि सिर्फ अकेले तेंदुए को ही इस अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। हम इंसान भी शायद इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं।